महिषासुर का संहार। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। महिषासुर उठो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। महिषासुर, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांगो वत्स। तो ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देवता, ना कोई गंधर्व और ना कोई जानवर मेरा वध कर सके। तथास्तु। महिषासुर एक बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली राक्षस था। वो इतना खतरनाक था कि देवता भी उससे डरा करते थे। उसके सामने शीश ना झुकाने वाले प्राणी का महिषासुर मस्तक ही उसके शरीर से अलग कर दिया करता था। उसकी आहट भर से ही देवता, मनुष्य और जानवर थर थर कांपा करते थे। महिषासुर ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त था और उनके आशीर्वाद से तीनों लोकों पर अपना कब्जा करना चाहता था। और दिन रात एक कर ब्रह्मदेव की उपासना करके उसने विजयी होने का वरदान मांग लिया। वरदान मिलने के पश्चात महिषासुर घमंडी, ताकतवर और क्रूर बन गया। उसने तीनों लोकों पर हाहाकार मचा दिया। हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाजें आ रही थी। रंभ और एक भैंस का पुत्र महिषासुर अपने माता पिता पर ही गया था। उसके पास अपने रूप बदलने के गुण थे। वो जब चाहे खुद को एक भैंसे और जब चाहे खुद को एक इंसान में परिवर्तित कर सकता था। इसीलिए वो आसानी से अपने दुश्मनों को चकमा दे दिया करता था और किसी भी युद्ध में वो आसानी से जीत हासिल कर लिया करता था। अपनी ताकत और भी बढ़ाने के बाद उसने इंद्रासन पर कब्जा करने की योजना बनाई। इंद्रासन को अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। महिषासुर ने खुद के बल पर पूरे इंद्रलोक पर हमला कर दिया, जिसके बाद इंद्र काफी घबरा गए और महिषासुर से हार गए। हार के बाद इंद्र को अपना इंद्रासन छोड़कर इंद्रलोक से जाना पड़ा। वहीं महिषासुर ने खुद को इंद्रलोक का राजा घोषित कर दिया। इंद्रासन पाने के बाद अब महिषासुर और भी निर्दयी और अहंकारी बन गया था। उसे इस बात पर अहंकार था कि कोई भी प्राणी उसका वध नहीं कर सकता। हाथ से इंद्रासन जाने के बाद इंद्रदेव भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मदेव से अपनी मदद करने की इच्छा जताई। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, मेरे वरदान की वजह से महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसका वध न मैं कर सकता हूँ, न तुम, ना इन तीनों लोगों में से कोई और। महिषासुर का वध करना नामुमकिन है। ब्रह्मदेव की बात सुनकर इंद्रदेव थर थर कांपने लगे। उन्होंने ब्रह्मदेव से महिषासुर का अंत करने के कई उपाय पूछे। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हमें भगवान विष्णु के पास जाना होगा, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। महिषासुर का अंत करना कोई मामूली बात नहीं थी।
उसके आतंक से स्वयं भगवान भी घबरा गए थे। महिषासुर को इस तरह मनुष्यों का संहार करता देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्रित हुए और उसका अंत करने के बारे में योजना बनाने लगे। क्योंकि महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली, कई तरह की शक्तियों से निपुण और भगवान ब्रह्मा के वरदान से ऊर्जित था, इसीलिए उसके अंत का उपाय खोजना बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिसके बाद सभी ने अपनी ऊर्जा से एक शक्ति को जन्म देने का फैसला किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा से आदि शक्ति को जन्म दिया, जिन्हें दुर्गा का नाम दिया गया। महिषासुर ये भूल गया था कि अगर कोई मनुष्य और जानवर उसका वध नहीं कर सकता था, तो शक्ति से निपुण पूरे संसार को अपने कंधों पर चलाने वाली और उस राक्षस जैसे प्राणी को जन्म देने वाली जगत जननी, या यूं कहें जगत का पालन पोषण करने वाली एक माँ तो उसका वध कर ही सकती थी। माँ दुर्गा के उत्पन्न होने के बाद सभी देवताओं ने उन्हें महिषासुर से लड़ने के लिए अपने अपने अस्त्र उपहार में दिए। सुदर्शन चक्र, कमंडल, तीरों से भरा तरकश, राजदंड, वज्र, कुल्हाड़ी, प्रखर, त्रिशूल और ऐरावत के द्वारा एक घंटी दी गई। ये सब लेने के बाद माँ दुर्गा महिषासुर का संहार करने के लिए निकल पड़ी। Ha ha ha.